जय हिंद दोस्तों। किसी भी स्टोन क्रशर या फिर वैसा इंडस्ट्री जो कि मटेरियल को कन्वेयर द्वारा कन्वे करता हो, यानी कि मटेरियल शिफ्ट करता हो कन्वेयर की सहायता से, ओके, तो उस स्टोन क्रशर या मशीन की टीपीएच कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। टीपीएच का मतलब होता है उस मशीन की 1 घंटे में कितनी टन क्रशिंग कैपेसिटी है। जैसे कि 100 TPH या 300 TPH स्टोन क्रशिंग मशीन। अब यहाँ पर जैसे कि 300 TPH, जो कि कंपनी के अनुसार, जो कंपनी दावा करती है कि 300 TPH कैपेसिटी का ये क्रशिंग मशीन है, बट एक्चुअल में ये 300 TPH का मशीन 300 TPH आउटपुट दे रही है या फिर 300 से कम दे रही है, तो इसे एक कैलकुलेशन से आप TPH निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी स्टोन क्रशिंग मशीन हो या फिर कोई भी क्रशिंग मशीन हो, तो उसे आप कितनी TPH कैपेसिटी है उसे आप कैलकुलेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको टीपीएच कैलकुलेशन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कन्वेयर बेल्ट की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। तो जो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो बनाया था उसमें से निकल कर जो आया था 7.24 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो कन्वेयर बेल्ट जो था 7.24 मीटर आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा था, यानी कि शिफ्टिंग हो जा रहा था वो। यदि कन्वेयर बेल्ट स्पीड कैलकुलेशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फिर चलते हैं आगे। तो इसमें जो 7.24 मीटर प्रति सेकंड जो है कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है, तो ये 1 सेकंड में इतना फॉरवर्ड करता था। अब करना क्या है, जैसे ये है हमारा कन्वेयर, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि कन्वेयर को स्टॉप करना है, और कन्वेयर को स्टॉप करने के बाद जब इसमें मटेरियल रन कर रहा हो उस समय स्टॉप कर लेना है, और स्टॉप करने के बाद आपको 1 मीटर पहले माप लेना है, और 1 मीटर का जो मटेरियल है उसे वेट कर लेना है, ठीक है। जब 1 मीटर का आप मटेरियल वेट करते हैं तो मान लिया कि 10 kg वो मटेरियल है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि 7.24 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 1 सेकंड में इतना मीटर फॉरवर्ड हो रहा था, और जो हमने निकाला है यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट का वो 1 मीटर का निकाला है में, तो हमें क्या करना है कि 7.24 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो निकल के आ जाएगा 72.4 kg, ये 10 kg था। अब इसे 7 मीटर में जो मटेरियल है वो है 72.4 kg है, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है, 72.4 kg प्रति सेकंड ये जो मटेरियल हो रहा है शिफ्टिंग हो रहा है उस कन्वेयर के थ्रू। तो अब क्या करना है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ठीक है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब हमें क्या करना है कि 60 × 60 कर देना है, और ये निकल के आ जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है। ये जो सेकेंड इसलिए निकाला है क्योंकि हमें जो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड जो हमने निकाला है वो है सेकेंड में, और सेकेंड में ही निकाला जाता है, तो ये 3600 सेकेंड है 1 घंटा में। चूंकि हमें निकालना है TPH, तो टन पर आवर निकालना है, इसलिए हमने क्या कर दिया कि उस सेकेंड को हमने घंटा में बदल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको 3600 यानी कि 3600 × 72.4, ठीक है। अब 1 घंटे में ये कितना मटेरियल को शिफ्ट कर रहा है उसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। तो ये जो मटेरियल शिफ्ट करेगा 260640, यानी कि 260,640 kg प्रति घंटा ये जो मटेरियल शिफ्टिंग कर रहा है 1 घंटे में। तो अब इसे हम TPH में निकालते हैं, यानी कि टन में, टन पर आवर में निकालते हैं, तो 1 टन में 1000 kg होता है, ठीक है, 1 टन में 1000 kg होता है। तो
तो अब क्या करना है हमें कि 260640 को 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 260.64 टन। ठीक है, यानी कि 260.64 टन कैपेसिटी है 1 घंटे में। तो इस मशीन का कितना TPH निकल के आया है, TPH टन पर आवर जो निकल के आया है 260.64। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।